उत्सुक हैं इस बात को लेकर कि इस बार केजरीवाल जी को वोट करें, क्योंकि डेमोक्रेसी का जिस प्रकार से खात्मा करने का प्रयत्न कर रही है बीजेपी, उसके अगेंस्ट भाजपा के जो सपोर्टर है वो भी आ रहे हैं जी, क्योंकि देश बचेगा, संविधान बचेगा, चुनाव बचेगा, तब पार्टियां बचेगी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी की ईडी ने जबरन जेल के पीछे डाला हुआ है। तथ्य उसके पीछे क्या है? अभी तक पिछले 1.5 वर्ष में इस केस के अंदर कोर्ट में ना तो ईडी ने पेश किया, ना किसी और व्यक्ति ने पेश किया। वो अच्छा बंदा था ना केजरीवाल, वो बंदा तो कर दिया अंदर, और जो द्रोही था वो डोल रहे आजादी में। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अंकुश नारंग जिंदाबाद। मुझे जो अंकुश नारंग सही लगे हैं और केजरीवाल भी सही लगे हैं, एक सही नहीं लगा, बस वो बोल नहीं सकता नाम, क्योंकि आग लग जाएगी उनको। जिस रोड पे आप खड़े हो ये रोड 35 साल से नहीं बनी थी, इसके बाद आप नेक्स्ट रोड पे जाओ वो रोड 35 साल से नहीं बनी, मतलब मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे पुरानी रोडें हैं यहाँ पे जो नहीं बनी थी, और अब आप रोड ढूंढो और ये बना रहे हैं। मैं अरविंद जी के साथ हूँ, अंकुश नारंग के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ, और इन्होंने जो मोदी जी ने उन्हें अंदर करके ये सोच रहे कि भाई उनकी राजनीति ख़त्म कर देंगे। मैं आपको बता दूँ कि उनकी राजनीति ख़त्म नहीं होगी, और उल्टा वो और भी सोना निखर के आएगा, मजबूत निखर के आएगा। मुझे लगता है कि आप कहते हो कि हम असली हिंदू हैं, लेकिन आप चलते मोदी जी पाकिस्तान के पच्चीनों पर हो। मेरे पार्षद साथी अंकुश नारंग साहब ने आज खन्ना मार्केट के व्यापारी साथियों के साथ और जितने भी व्यापारी साथी हमारे इर्द गिर्द के मार्केट के हैं और आसपास के मंदिरों के हैं, आसपास के जो प्रोमिनेंट लोग हैं सबको बुला करके आज एक मेरी मीटिंग कराई, और बहुत उम्दा रहा कि क्षेत्र के लोग बहुत उत्सुक हैं इस बात को लेकर कि इस बार केजरीवाल जी को वोट करें, क्योंकि डेमोक्रेसी का जिस प्रकार से खात्मा करने का प्रयत्न कर रही है बीजेपी, उसके अगेंस्ट भाजपा के जो सपोर्टर है वो भी आ रहे हैं जी, क्योंकि देश बचेगा, संविधान बचेगा, चुनाव बचेगा, तब पार्टियां बचेगी। इसलिए इस बार पटेल नगर में या किसी दिल्ली क्षेत्र में चले जाएं, हर तरफ ऐसा माहौल है। अरविंद जी के अरेस्ट के बाद तो ये चुनाव एक तरफा करीब करीब लग रहा है। सर, अरविंद जी के अरेस्ट होने के बाद इसका असर बुरा पड़ेगा या अच्छा पड़ेगा आपके लिए? जनता बहुत गुस्से में है, आक्रोशित है कि किसी की हिम्मत कैसे हुई उनके जननायक को, जिस व्यक्ति ने इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का मॉडल दिया, हर करीब करीब हर घर में 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़ायदा दिया, ऐसे जननायक को अरेस्ट करने की हिम्मत कैसे, वो भी चुनाव अनाउंसमेंट के बाद। तो सब लोग समझ रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, चुनाव में हार सुनिश्चित है, इसलिए दिल्ली तैयार है केजरीवाल को संसद भेजने। सर, पटेल नगर विधानसभा में जितने भी आज तक लोकसभा प्रत्याशी आए हैं या उम्मीदवार रहे हैं सांसद, कोई काम यहाँ नहीं किया और जनता इससे परेशान है, तो आप क्या जनता को कहेंगे? मैं मालवीय नगर विधानसभा का 9 साल से विधायक हूँ, 3 बार का विधायक हूँ, और जनता जानती है किस प्रकार से जनता को समर्पित रहा हूँ। मैं 24/7 आदमी हूँ, मेरे DNA में है कि जनता के बीच में ग्राउंडेड रह करके उनकी सेवा करने का। मेरा मानना है कि हर आदमी परमात्मा स्वरूप है और उसकी सेवा करके मुझे आनंद आता है। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज यहां पटेल नगर में खन्ना मार्केट एरिया है, यहां पे इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, और जो आप पार्टी से, जो आप और इंडिया गठबंधन का जो संगठन है उनका जो प्रत्याशी है यहां नई दिल्ली सीट से, सोमनाथ भारती जी, डॉक्टर सोमनाथ भारती, आज उनका यहाँ पर जो है स्वागत समारोह था। अंकुश नारंग जी हैं जो कि रंजीत नगर से वार्ड 87 से जो है निगम पार्षद हैं, और आप पार्टी से जो कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया के, और सर के द्वारा ही आज यहाँ पर ये जो सोमनाथ भारती जी का जो स्वागत समारोह था उनके द्वारा कराया गया। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। जो आज का ये स्वागत समारोह रहा, क्या किस नज़रिए से देखते हैं, कितना सफल रहा ये? देखिए, सबसे पहले तो रूप सिंह गोसाई जी, आपका जो कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो, और आपका पूरे चैनल ANC इंडिया का, और आपके सारे व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद, और आपका धन्यवाद रूप सिंह गुसाई जी कि आपने मुझे अपने चैनल के व्यूअर्स से, ANC इंडिया के व्यूअर्स से रूबरू होने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जो था वो हमारा खन्ना मार्केट के अंदर था,
जिसके अंदर खन्ना मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन, साथ में जितने खन्ना मार्केट में वेंडर्स हैं, दूसरी बात, तीसरा मिनी मार्केट जो खन्ना मार्केट के अंदर है वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनकी, और हमारा जो सीनियर सिटीज़न फोरम है उसका आज कार्यक्रम था। और उन सारे लोगों के साथ जो यहाँ के मार्केट एसोसिएशन के प्रभावशाली पदाधिकारी हैं उनके साथ आज ये कार्यक्रम था। और माननीय हमारे तीन बारी के विधायक मालवीय नगर से, सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूर्व में लॉ मिनिस्टर रह चुके और इस समय लोकसभा के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती जी इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने संबोधन किया यहाँ के सारे ट्रेडर्स को, मार्केट एसोसिएशन को, सीनियर सिटीज़न फोरम को, पूरा यहाँ पे किया। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी की ईडी ने जबरन जेल के पीछे डाला हुआ है। तथ्य उसके पीछे क्या है? अभी तक पिछले 1.5 वर्ष में इस केस के अंदर कोर्ट में ना तो ईडी ने पेश किया ना किसी और व्यक्ति ने पेश किया। आज एक व्यक्ति के बयान पर आप दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेते हो। कहने का मतलब यह, कल को मैं अगर बयान दे दूं तो क्या आप मेरे बयान पे मोदी जी को अरेस्ट कर लोगे? एक व्यक्ति के बयान पे आप दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेते हो, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत बड़ा सवाल है, क्या उस समय भी ईडी इसी तरह से कार्रवाई करेगी जैसे कि अभी की है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन 2013 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने एक भाषण में कहा था, आप भी ढूंढ लीजिएगा, रूप सिंह गोसाई जी आप बड़ी शानदार पत्रकारिता करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ईडी और सीबीआई का राजनीतिकरण होता जा रहा है और उनकी गुजरात की सरकार को, उनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्री खुद थे वो, उनको परेशान किया जा रहा है ताकि वो प्रचार प्रसार ना कर सकें और आगे देश में अपना परचम ना लहरा सकें। आज वही मोदी जी सन 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे ईडी और सीबीआई का राजनीतिकरण करके, जो उन्होंने अपनी ईडी को 4 बजे हाईकोर्ट से फैसला आता है, 7 बजे ईडी, 7:45 बजे ईडी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच जाती है और 9:14 पे अरेस्ट मेमो दे देती है। मतलब आज वही राजनीतिकरण आज ईडी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये तानाशाही कितनी हद तक बढ़ चुकी है कि एक सिटिंग सीएम को जेल के अंदर डाल दिया गया। क्या हम हिंदुस्तान भी अब पुतिन के रास्ते पर चल रहा है? क्या हिंदुस्तान भी नॉर्थ कोरिया के रास्ते पर चल रहा है? क्या हिंदुस्तान भी चाइना के रास्ते पर चल रहा है? और क्या कोई तुगलकी फरमान निकालेगा और उसके कहने पे हम सबको भी अरेस्ट कर दिया जाएगा? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लोकतंत्र में इंसान को अपने बोलने की, घूमने की फ्रीडम है। हम अपने फंडामेंटल राइट्स से और हम अपने राइट्स का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन आप ही मुझे बताएं रूप सिंह गोसाई जी कि अगर आज हम व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी से भी सवाल पूछते हैं, किसी भाजपाई से सवाल पूछते हैं या किसी चीज पे भी सवाल पूछते हैं तो हमारे पे देशद्रोही का ये जो कलमा है ये लग जाता है, ये हमें टाइटल मिल जाता है कि हम देशद्रोही हैं। जो भी और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो या तो देशद्रोही हैं या फिर अपोजिशन वाले हैं। बिल्कुल, अपोजिशन तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे आप, अपोजिशन तो एक एक करके आप खत्म करे जा रहे हो। हम सबको आप, अगर हम भाजपा के खिलाफ बोलते तो आप देशद्रोही कहते हो। देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्या सिर्फ भाजपा के पास है या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह इस देश के अंदर, भाजपा मतलब इस देश के अंदर क्या हिंदुत्व पे और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रही है? अगर ऐसा कर रही है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 4 बारी बोल रहा हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम मेरे भी हैं, भगवान सब, भगवान श्री राम भाजपा के नहीं है, भगवान श्री राम हम सबके हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत है, हम सब उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, हम सब उनको सुबह नमस्कार करके अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो हमारे भी भगवान। अब क्या मुझे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट मिल जाएगा देशभक्ति? अब मुझे देशभक्ति का, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा जय श्री राम 4 बारी, क्या मुझे देशभक्ति का और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? या फिर मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, तिलकधारी हूँ, फिर भी जय श्री राम कह रहा हूँ, फिर भी मैं देशद्रोही कहलाऊंगा, फिर भी मैं हिंदू नहीं कहलाऊंगा? ऐसा है?
मतलब आज देश के अंदर तानाशाही का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बात करने की सोचता है भाजपा के खिलाफ तो उस व्यक्ति के सोशल मीडिया से उठा के उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है, किसी को ट्वीट नहीं करने दिया जाता, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजने दिया जाता। ये लोकतंत्र थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। और ये चुनाव, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, ये चुनाव हम जनता का, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, हम सब लोगों का। हम किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, भाजपा के अलावा, इवन भाजपा का कार्यकर्ता भी इस समय आहत महसूस कर रहा है कि जिस व्यक्ति ने उनका बिजली का बिल शून्य किया, जिस व्यक्ति ने उनके पानी के बिल माफ़ किए, जिस व्यक्ति ने उनके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अच्छे किए, माता पिताओं के लिए सरकारी अस्पताल अच्छे किए, मुफ्त दवाई कराई, फरिश्ते योजना लाया, उनकी महिलाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए तीर्थ यात्रा, बसों में DTC बसों में फ्री बस सफ़र और नारी सम्मान राशि जो 1000 की ला रहा है, वो व्यक्ति को आज मोदी की ED ने जेल के अंदर डाल दिया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति भाजपा का ये कहता है कि नहीं है मोदी जी ने नहीं किया, तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी खुल के आके बयान देते हैं, जी हमने नहीं किया, वो भी नहीं करेंगे। लेकिन वो तो सिर्फ इतनी, उनके हिसाब से तो हम आम आदमी पार्टी बड़ी छोटी सी पार्टी है, इतना डर कैसे लगने लगा? मोदी जी को आखिरकार डर लगता है तो सिर्फ एक व्यक्ति से लगता है, अरविंद केजरीवाल जी से। अगर आज मोदी का 400 का सपना कहीं दूर कर रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है, अरविंद केजरीवाल। मैं आपको याद कराना चाहूँगा, मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको याद कराना चाहूँगा, कंस ने भी कभी भापा नहीं था भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया। कौरवों ने भी कभी भापा नहीं था पांडवों को, उनको लगता था 5 पांडव है ये क्या करेंगे भाई, लेकिन पांडवों ने उनका अंत किया। ऐसे ही भगवान श्री राम को भी रावण ने कभी भापा नहीं था, वो इतना लंका का इतना बड़ा राजा था और साथ में इतनी बड़ी सेना लेके चल रहा था, लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ और सीता मैया के साथ जाकर उसका अंत कर आ गए। इसमें यही भाव छुपा है कि अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी को भी जो है कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। सेकंड मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा कह रही है कि 400 पार और कह रही है कि दिल्ली की 7 सीटें उनके पास हैं, और सुषमा स्वराज एक जानी मानी प्रसिद्ध जो है नेत्री रही हैं भाजपा की और उनका काफ़ी असर भी रहा है दिल्ली की राजनीति में, तो उनकी बेटी बांसुरी स्वराज कहाँ तक कितना टक्कर दे पा रही हैं, या आप कितना टक्कर मानते हैं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, रूप सिंह गोसाई जी, आपकी भी बेटा या बेटी है ना, जितनी निष्पक्ष पत्रकारिता या जितने बेहतरीन तरीके से आप बोलते हैं, क्या आपके बेटा बेटी उतने बेहतरीन तरीके से बोलते हैं? जितने अच्छे आपके कर्म है, क्या उनके कर्म वैसे शुरू हो गए? तो आपके पास चिन्हों पे चल के आगे कर्म ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन क्या मैं जानना चाहता हूं कि एक ही परिवार इस देश के ऊपर राज करेगा? मोदी जी तो कहते थे कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, आज कहां से सुषमा स्वराज जी की बेटी को उन्होंने टिकट दे दी? और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चुनाव किसी बांसुरी स्वराज का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी सोमनाथ भारती का चुनाव नहीं है, यह हर एक भारतीय का चुनाव है। इस बारी हम अपने वोट की ताकत, लोकतंत्र की ताकत जिस दिन बटन दबाने जाएंगे उस दिन दिखाएंगे। और ये साइलेंट वोट है, दब दब के बटन झाड़ू के अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे इतना दबेगा कि आपको भी एहसास हो जाएगा इस चुनाव के बाद कि ये जो आपने जेल में डाला और ये जो लोकतंत्र की हत्या करी, तानाशाही दिखाई, इसका फलस्वरूप आपको क्या मिला है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहते रहे 400 पार हो रहे हैं, ये कहते रहे 7 सीटें जीत रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आज इनकी ग्राउंड पर स्थिति बहुत बुरी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से, आज मैं यहाँ का निगम पार्षद हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पार्टी मुझे टिकट दे देती है, बहुत अच्छी बात अगले चुनाव में, वही निगम पार्षद किसी और पार्टी का यहाँ पे काम नहीं करता और उसकी बजाय टिकट किसी और को दे देती है, क्या वो कर्म खत्म हो जाते हैं क्या? पिछले 10 वर्ष से भाजपा इसी क्षेत्र से उनका सांसद था, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखिए निष्पक्ष लोग भी खड़े हैं, एक बारी कैमरे से आप सबको दिखा देना, अगर आपके पास किसी भी पुराने सांसद का फोन नंबर है तो मुझे बता दीजिए। नहीं है। किसी के दुख सुख में अगर वो सांसद आया, किसी के दुख सुख में तो वो बता दे, किसी के दुख सुख में आया जी आपके पास? कभी काम भी नहीं करा यहाँ, कोई मतलब डेवलपमेंट हो आप आओ आप बताओगे ना कि हमने ये करा, काम करा ही नहीं उन्होंने। जितना भी काम किया हमारे अंकुश भैया ने किया, एक से एक काम किया, आज के तारीख में इनकी जितनी जिंदाबाद होती है ना शायद, जो अच्छा बंदा था ना केजरीवाल वो बंदा तो कर दिया अंदर, और जो द्रोही द्रोही थे वो डोल रहे आजादी में,
हमारे केजरीवाल को तुरंत बाहर निकाला जाए, आपके चैनल माध्यम से बोल रहे हैं हम। सेम सेम टू सारे सेम करेंगे, कोई अपनी भाषा नहीं है किसी पे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अंकुश नारंग जिंदाबाद। मुझे जो अंकुश नारंग सही लगे हैं और केजरीवाल भी सही लगे हैं, एक सही नहीं लगा, बस वो बोल नहीं सकता नाम, क्योंकि आग लग जाएगी उनको। हमने ये तो सुना था कि पार्षद होता है, हमने पिछले पार्षद को जाके कोई भी काम बोला, उसने बोला फंड नहीं है। ये पार्षद ऐसा आया, काम बताओ, तुम फंड की चिंता मत करो, काम बताई जाओ और करवाई जाओ। जिस रोड पे आप खड़े हो, ये रोड 35 साल से नहीं बनी थी, इसके बाद आप नेक्स्ट रोड पे जाओ, वो रोड 35 साल से नहीं बनी, मतलब मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे पुरानी रोडें हैं यहाँ पे जो नहीं बनी थी, और अब आप रोड ढूंढो और ये बना रहे हैं। मैं अरविंद जी के साथ हूँ, अंकुश नारंग के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ, और इन्होंने जो मोदी जी ने उन्हें अंदर करके ये सोच रहे कि भाई उनकी राजनीति ख़त्म कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि उनकी राजनीति ख़त्म नहीं होगी, और उल्टा वो और भी सोना निखर के आएगा, मजबूत निखर के आएगा। धन्यवाद। हम सोमनाथ भारती को अच्छी बहुत बहुमत से यहाँ से बहुत विजय बनाएंगे। तो सबसे आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी, और उनका अब वोट बैंक इससे ज़्यादा बढ़ेगा। जो ये सब हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे वही डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है ना, ये वाली चीज़ जो है लोग समझ रहे हैं, लोग एजुकेटेड हैं। तो मैं एक बड़ी बात ये भी है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक चीज़ है, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, ये पूरी दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं उनका एक एजेंडा है कि लोगों को कम करें, लोगों को इस लायक ना छोड़ें कि वो सरकारों के खिलाफ आवाज़ उठा पाएँ। तो सर क्या कहेंगे? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, यही तानाशाह और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पुतिन जी का उदाहरण दिया कि 88% वोट ले आए, 12% किसी और को नोटा को डर रहे हैं, सामने वाले कैंडिडेट को डर नहीं रहे क्योंकि कैंडिडेट अपना है। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया में 92% वोट डर रहा है एक ही पार्टी को, बाकी वोट प्रतिशत क्योंकि सामने कोई अपोजिशन नहीं है। चाइना के अंदर भी यही हाल है। मुझे लगता है कि आप कहते हो कि हम असली हिंदू हैं, लेकिन आप चलते मोदी जी पाकिस्तान के पदचिन्हों पर हो। आप आज उस जनरल से कम नहीं हो जो मिलिट्री राज लगा के बैठा है और अपनी तानाशाही चला रहा है। तो इस तानाशाही को ख़त्म करो, हम इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। इस बारी सारे लोग मिलके माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का साथ देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाह रहा हूँ, 31 मार्च 2024 सुबह 10 बजे हमारी इंडिया अलायंस की रामलीला मैदान के अंदर रैली है और महारैली है, और आप उसके अंदर भीड़ का आकलन कर लीजिएगा, वो भीड़ का आकलन आपको बता देगा कि मोदी जी की कितनी सीटें आ रही हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंकुश नारंग जो यहाँ आज सोमनाथ भारती जी का स्वागत समारोह था उसके दौरान जो यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी थी, और पूरी बातें आपने यहाँ जनता से भी सुनी। तो इस पर आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आपको क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव जो अब सिर पर है, इसको जनता किस नज़रिए से देखते, अपनी बात जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया रूप सिंह गोसाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्यास जी।